आज मैं इस वीडियो में मंजुमल बॉयज जो कि एक मलयालम सर्वाइवल थ्रिलर है उसके बारे में कुछ और बातें करूंगी। मैं पहले भी इस मूवी पर शॉर्ट्स बना चुकी हूँ लेकिन उसमें मैं इन डिटेल बात नहीं कर पाई। आई वॉन्टेड टू डिस्कस द फिल्म इन डेप्थ विद यू गाइज, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि चलो एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें आई कैन टॉक अ बिट मोर अबाउट द फिल्म। सो लेट्स बिगिन। ये मूवी हर जगह हाउसफुल चल रही है, द ऑडियंस इज सिंपली लविंग इट। तो क्या है इतना स्पेशल इस फिल्म में जो ऑडियंस ने इसको इतना सराहा? लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस मूवी इज सच अ ह्यूज हिट। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मूवी का जो प्लॉट है वो बढ़िया है, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। देयर इज ऑलवेज मोर क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स अ ट्रू स्टोरी रादर देन अ फिक्शनल वन। प्लॉट तो बढ़िया है ही लेकिन जिस तरह से फिल्म मेकर्स ने इसको एग्जीक्यूट किया है इट्स रियली कमेंडेबल। द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फिल्म गेट्स फुल मार्क्स, मतलब ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया है। तो कुछ जोशीले शरारती दोस्त कोडाईकनाल के ट्रिप पर निकलते हैं। ये उस टाइप का ग्रुप है जो जोश में होश खो बैठता है, जवान खून है तो दे आर एक्सट्रीमली रेकलेस। यू डोंट रियली लाइक दिस ग्रुप एट फर्स्ट, दे आर द टपोरी काइंड्स एवर रेडी टू गेट इनटू फाइट्स, बड़ी बड़ी बातें करना। आई मीन दे आर दैट ग्रुप हु कुड बी इजिली लेबल्ड एज न्यूसेंस। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यू रियलाइज दैट दिस फ्रेंडशिप ऑफ देयर्स रन्स डीप। एक दूसरे के लिए जान देने वाले दोस्त है ये। फिल्म एक लाइट नोट पे शुरू होती है लेकिन फिर धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है, टेंशन का मीटर स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता है। इट्स मोर लाइक अ टीज इन द बिगनिंग बिफोर इट कम्प्लीटली शेक्स यू अप। मतलब फ्रेंड के खाई में गिरने से कुछ देर पहले यू स्टार्ट सेंसिंग द डूम दैट्स अबाउट टू फॉल ऑन देम, क्योंकि कैरेक्टर्स है ही रेकलेस। इस ग्रुप के मेंबर्स खुद को हीरो समझते हैं, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर दे एक्ट इरिस्पॉन्सिबल एंड रेकलेस। तो कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन द एक्शंस वी कैन सेंस डूम अप्रोचिंग। मन में मेरे कॉन्स्टेंटली चल रहा था कि भाई कुछ तो बुरा होने वाला है। एक्चुअली फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे एंटर इन टू द प्रोहिबिटेड एरिया उस टाइम से पूरा एटमोस्फियर बदल जाता है। द केव्स दैट लुक ब्यूटिफुल इन द बिगिनिंग आफ्टर अ वाइल स्टार्ट लुकिंग डॉन्टिंग एंड स्केरी। एक पॉइंट पे मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ, वैसा वाला समा बन जाता है। वो जो मूवमेंट है जब लड़का खाई में गिर जाता है इट्स सो अनएक्सपेक्टेड एंड सडन दैट वी फील द एग्जैक्ट जॉल्ट विच द कैरेक्टर्स इन द फिल्म फील। मतलब एक सेकंड के लिए मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि व्हाट जस्ट हैपेंड, और जिस तरह से कैरेक्टर्स ने वो सीन इनैक्ट किया है इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब एट फर्स्ट इट डजंट रजिस्टर इन देयर माइंड, दे आर लाइक ये क्या हुआ, वेयर सुभाष। दैट कंफ्यूजन क्विकली चेंजेस इनटू शॉक। उस सीन को सबने इतनी अच्छी तरह से इनैक्ट किया है कि क्या कहो। एक्चुअली सारे एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है, जितने भी थे सबने मस्त एक्टिंग की है, एकदम रियलिस्टिक परफॉर्मेंस था उनका। और जब उनको समझ में आता है कि उनका दोस्त खाई के अंदर गिर चुका है, एक ऐसे खाई में विच इज नथिंग बट अ डार्क गेपिंग होल, the helplessness, the despair that overwhelms them brings tears to your eyes, the grief on their face looks so real, just wow। this story is a perfect example of true friendship। matlab wahan ke local log police koi bhi taiyar nahi hai madad karne ke liye, fir bhi not a single friend gives up। wo apne dost ko liye bagair wapas jaane ke liye taiyar hi nahi hai, and then the way things start unfolding is kind of unbelievable। i really really want to appreciate praise the cinematography, jis tarah se nature ki beauty ko capture kiya gaya hai dekhkar मन गार्डन गार्डन होता है। और गुना केव्स का जो सेट था इट वाज सो डन ब्यूटीफुल, केव्स के अंदर के शॉट्स आपको चौंका देगा। आई मीन सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। एज आई अर्लियर मेंशन्ड द केव्स लुक बोथ ब्यूटीफुल एंड सिनिस्टर एट द सेम टाइम। द डीप डार्क पिट जिसको वो डेविल्स किचन बुलाते हैं, मतलब लोगों के हिसाब से शैतान वहां अपना खाना पकाता है, वो खाई इतना डरावना दिखाया है, बापरे इट एक्चुअली लुक्स लाइक द डेविल्स लैंड। और सुभाष का खाई में गिरना, द बैट सडनली फ्लाइंग आउट विदाउट एनी वार्निंग, स्टॉप योर ब्रेथ फॉर अ सेकंड, सेंस अ चिल डाउन योर स्पाइन। और एक बात जो मुझे पसंद आई इज द वे द पास्ट इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, दैट वाज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मूवी को आप इतने क्लेवरली इतने ब्यूटिफुली एग्जीक्यूट करोगे तो ऑब्वियसली हिट तो होना ही है। अंत में जब उस लड़के को बचाकर बाहर निकाला जाता है तब पूरा थिएटर तालियों से गूंजने लगा, पीपल वर सो हैप्पी एज इफ इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, दे लिटरली स्टार्टेड क्लैपिंग। और क्लैप कब करता है ऑडियंस, व्हेन द ऑडियंस गेट्स इमोशनली इन्वेस्टेड इन द मूवी, दे वर टोटली इनटू द मूवी। ऐसे लग रहा था कि सच में सब कुछ हमारे आंखों के सामने घट रहा हो। एक्चुअली दिस मूवी मेक्स यू इवन मोर इमोशनल नोइंग दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दैट दिस टेरिफाइंग इंसिडेंट एक्चुअली हैपेंड विद समवन। उस लड़के पर क्या बीती होगी, उसकी क्या हालत हुई होगी सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू लिटरली गेट गूस बम्स। येस मंजुमल बॉयज इज अ सर्वाइवल थ्रिलर, बट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड अदर सर्वाइवल स्टोरीज इज दैट दिस स्टोरी इज विद अ हार्ट।
और हाँ, ये कहानी हमको एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाता है कि वी मस्ट एंजॉय टूरिस्ट प्लेसेस रिस्पॉन्सिबली। जोश में आकर ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हमारी जान खतरे में पड़ जाए। यार, घूमो फिरो, हैव फन विद फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम बी रिस्पॉन्सिबल, वरना एक हैप्पी कहानी को ट्रेजेडी में बदलने में देर नहीं लगती। और हाँ, हर सुभाष को कठन जैसा दोस्त नहीं मिलता।